मु संगीता स्वागत करची आपणकर प्रिय कार्यक्रम पुराण लीला। लीला नुहेम पापपाई पद्मतोड़ा नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राव्यम जगन्नाथाय यते नमः। दर्शक बंधु से नाथ दुखी रखींकर से साथी पतित मानकु उद्धारिबा पाई उड़ाउछंती पतित पावन बाना। जगतर नाथ जगन्नाथंक महिमा अपार और तांकर महिमा को नहीं आमर ए मंच जगन्नाथंकर महिमा तो आपण माने देखिबे और ता सांगरे देखिबे आम इतिहास कथा आम पुराण पोथी भागवत रामायण कथा। ताहले आ डेरी काहेकि चलतु ना कार्यक्रम को आगक ना। किंतु दर्शक बंधु मो मन में गोटे प्रश्न आसूची मो भाबुची आपण मानक मन रे भी ठीक सही प्रश्न आसुथिबो। आपण माने भाबुचंती ना कि संगीता आज तो आसी जाईची मंच को सांगरे नहीं किंतु मंच सांगे सेमती किसी नाटिका गुच्छ को सांगे नहीं आसी कि ना। आज्ञा निश्चित रूप से संगीता आसी जाइए मंच आसी जाइए माने आम सांगे से नाटिका गुच्छ माने भी आपण मानक पाई प्रस्तुत अच्छा। बिल्कुल आउ किसी बेसी कथा कहबिनी आम कार्यक्रम को आगक आगे। किंतु दर्शक बंधु मंच अच्छी मु अच्छी तो ये मंचर सबुठ विशेष आकर्षण होती आम समीक्षक मैंने। ताहले डेरी नक चलतु तांका सहित मु आपण मानकर परिचय करदेवी। आम गहणरे अछंती ओडिसार विशिष्ट कथाकार तथा सीरियल जगतर सीरियल कहतु सिनेमा कहतु नाटक कहतु तार लेखक आपण मानकर अति प्रिय शरणारविंद ओझा सर। सर स्वागत आम मंच को। दर्शक बंधु शरणारविंद सर सहित तो आपणकर परिचय होगा। आम गहन में एमती जड़े विशेष व्यक्तित्वर अतिथि अच्छा जे कि केबे राइटर केबे डायरेक्टर तो केबे एक्टर मध्य ए प्रतिटी रूप को से बहुत सुंदर भाव में जस्टिस दे पारिछंती। से होछंती आपण समस्तंकर प्रिय आशुतोष महापात्र सर। सर स्वागत आम मंच को। दर्शक बंधु आशुतोष सर सहित तो आपणकर परिचय होगा। एवं आम मंच एमती जड़े समीक्षक अच्छा जे कि ओडिशार सबुठू पुरातन साहित्य माने पाला साहित्यर लब्ध प्रतिष्ठित पाला गायक आपण माने जानी सारे मु कहा कथा कहूँ सी होती चंद्रशेखर सर और तांका साथी। सर स्वागत आम मंच को। दर्शक बंधु जड़े होती मृत्युर देवता माने जम आउ जड़े होती जीवनर देवी माने जल किंबा जमुना। किंतु जम और जमुना भितरे संपर्क कौन? मो जम ए जीव मान कर्म घिनी मो फल दे थाए एकमात्र भौणी होछि मोर जमुना। मोर कार्य व्यस्तता हेतु तार निमंत्रण को बारंबार मोर प्रत्याख्यान कर चली ना ना जमिति भी हो मो भग्नी जमुना निकट को मत जावाक पड़ो। से मत देखिले केते आनंदित हब। के अक्षर रखी जमुना घर को जावा खुशी नरक दंडी दंडित होता समस्त जीवन को मुक्त कर दियो। मो एबे चलिली मो भौणी जमुना घर को। जमुना भगनी जमुना जमुना भ्राता आयुष्मती भव। विश्वास करी पारुछि तो भ्राता एते दिन परे आपण को पाद मो गृह रे पड़ीची। जहा हेउ भगिनी बोली कि मन रखिचंती सेति कि मोर सौभाग्य मोर परम सौभाग्य। सेमिति कथा कहना जमुना भाई भणी रा पवित्र संपर्क होछि नियारा जे पर्यंत ए सृष्टि थिबो समस्त जनमानस रे समस्त जनमानन को मुखरे जम और जमुना परी भाई भणी ही रहिथि। ए भौणी जमुना कौन तो घरे किसी भोजन व्यवस्था अच्छी ना? ए भाई खाली पेटर से जमपुर को प्रत्यावर्तन करिवो की कथा कहउचंदी भ्राता। भग्नी द्वार को आसी आपण पुणी खाली रे फेरी जिवे मु मो निज को क्षमा करि परिबी तो? आसंतु भ्राता आसन ग्रहण करंतु मु सांगे सांगे परसी दउछि। आसंतु भ्राता। आनंद एते दिन परे तृप्तिर भजन करे सतरे जननी परे भग्नीर हाथरंधा प्रस्तुत खाद्य संपूर्ण नियारा। बहुत खुशी जमुना कह तू कौन चाहू मु तोर सब मनोवांछा पूरा करेगी। भ्राता मोर पार्थिव वस्तु रे की बा प्रयोजन तेबे मु गोटे वचन मागुची भ्राता कहंतु आपण से वचन पूरण करिवे तो? निश्चय पूरण करिवे जमुना कहबु तो ए जमराज तर सर्वस्व तो दे दे पारे। ना ना भ्राता मु कहली ना मोर वस्तु रे प्रयोजन नाही। तेबे आपण को बहुत दिन हैला अपेक्षा करी रही थिली भाई को न देखी हृदय किपरि व्यथित हुए ताहा मु जाने। भ्राता मत गोटे कथा दिंतु आपण प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि आसी मो गृह पदार्पण करिवे एवं आनंद रे भोजन करिवे। एतिकी मागुची भ्राता एतिकी मागुची। कथा देली जमुना प्रतिवर्ष एई तिथि रे निश्चय तो घर को आसीबी आ आनंद रे भोजन मध्य ग्रहण करिवे। भ्राता केवल सेतिकी नुहे आउ कौन कहक चाहूँ ए कथा मु मो पाई के कहूनी भ्राता संसार सबू भौणी मानक पाई कहूची जो भाई माने एई दिन खुशी मन रे निज भौणी पाखक आसी मथारे तिलक लगाइबा सहित से मानक हातरू भोजन ग्रहण करंतु से मानकर जमफासर भय रहिबो नाही। से माने अकाल मूर्तिर सम्मुखीन हेबे नाही। से माने दीर्घायु हेबे। सबू भौणी मानक पाई एतिकी वरदान मागुची भ्राता एतिकी वरदान मागुची। तथास्तु। भौणी जमुना तोर उपकार समग्र भौणी को मनरे सबुदिन पाई थिबो। कल्याणमस्त मा परी जदी के खुआई दिए आउ नुही केही से जदि के खुआई दिए आउ नुहे कहीं से भौणी दिए। मो सुना भौणी मो गेल्हा भौणी मो सुना भौणी मो गेल्हा भौणी मो कहूथिली तू सुणुथिलु मो कहूथिली जीवन रा जेते सब कहानी मो सुना भौणी मो गेल्हा भौणी मु तो सुना भौणी मु तो गेल्हा भौणी तू मो सुना भौणी तू मो गेल्हा भौणी। अति सुंदर बहुत सुंदर अभिनय थिला भाई भौणी जो अपूर्व मिलन और अपूर्व प्रेम मते तो बहुत भल लगिला। सतरे दर्शक बंधु ए संसार रे जदि सतरे किछि पवित्र संपर्क थाए ताले से होछि भाई भौणी का संपर्क और एमिति एक संपर्क ऊपर गोटे सुंदर नाटिका देखला पर आपण मान मन तो पूरा खुशी हो जाइथिबो। मो मन भी पूरा खुशी। सीधा सड़क जीवी आम समीक्षक सर पाखु सरणारविंद सर कौन कहे नाटिकाटी विषय मत उभय अभिनय खराब लगे ना कि सेते भी भल लगे ना मत लगे जमी 100 ରୁ 70% मत ठीक ठाक लगे। आ बाकी नाटकीय दृष्टिकोण रू ये सब कौन हम ये जो नाट्यर महागुरु अच्छा विशिष्ट संलाप लेखक नाट्यकार निर्देशक सी नाटकीय दिशार समीक्षा करेंगे कि मु ये कहानी को देखला प्रथम यही कथा चिंता कली जे जम कहले समस्ते आम भाबू कालर देवता मृत्युर देवता मोटा मोटा निश हाथ में गदा कला जामापटा गोटे पौंड्रिक नामक गोटे मईस उपर बस हाथ में गोटे अंकुश थी जहाँ को पाई ताकू मरण मुह को नहीं किंतु से बाहर को कठोर दिशुवा जमंकर रूप भितर गोटे भौणी प्रति भाईर जो आवेग ताहा मध्य अच्छी एक भारतीय शास्त्र मध्य वर्णना कर सूर्य और शरण्य तांको पुत्र हेले जम। ऋग्वेद अनुसार जमंक भगिनी जमुना नुह जमंक भगिनी हेले जमा किंतु उत्तर भारतर दर्शन अनुसार जमंकर भौणी होचंती जमुना जी जमा सी जमुना दी जन जेणु जाँला तेणु तांको नाम हला जम। जम अर्थ ट्विन जोड़ी जाँला एवं यदि ये प्रसंग को जीवा जम एवं जमुना पावन संपर्क को नहीं उत्तर भारत में गोटे व्रत पालन हुए भाई दूजिया भौणी माने भाई पाई पालन करती अर्थात भाई की जहाँ भल लगे खाइबाकू भौणी निजे सब रांधिव भौणी निमंत्रण कर भाई को मो घर को आ भाई जाई पहुँचो भाईर सब प्रिय खाद्य ताकू खुआब भाई को प्रिय पोशाक पिंधे दब भाई को मुंडिया मारी प्रणाम प्रणिपात कर भाई दूजिया। पश्चिम ओडिशार भी भाई गौंतिया अच्छी किंतु सी टे भिन्न माने सेठी भौणीटीए देवी भगवती दुर्गा को पूजा करे आपणार भाईर सुखपाई यदि जम एवं जमुना कहानी खूब छोट जमुना आपणार मातृआलय रुहती जम को देखा करने को बारंबार आसती जितेबले भी आसती जम व्यस्त मृत्युर देवता सबुदिन फेरिकी जाती गोटे दिन जम अच्छी जमुना आसी पहुँचीगले भाई भौणी मिलन है जम प्रीत हेले एत दिन पर भौणी की देखी कहले तू मोटू कि बर मागुचु माग आज तू जा मागू मुदेवी स्वर्गपद मागिले मुझे पारे कि जमुना हाथ जोड़ी मागिले मोर किसी दरकार नहीं तू खाली मत एति कथा दे भाई वर्षक थरे पछे हो तू मत समय टिकक देव एवं जम समय दब भौणी लोक कथारे कहते मोर बा जम अवस्था कौन समय अच्छी ये जनाए आमर प्रति भाई भौणी प्रति समय दबा निहाती दरकार। अति सुंदर कथाटे कहले धन्यवाद सर। आज भी आशुतोष सर पाक सर केमती थिला नाटिकाटी कौन कहे नाटिका विषय रे सुंदर प्रसंगटी आज देखा को मिलला आमर जो बर्तमान सब राखी पूर्णमी राखी बंधा सरीगला तार पाठ सरीगला भाई भौणी भर संपर्क होगला राखी पूर्णिमा दिन गोटे दिन वर्षकर काम सरीगला बोली भौणीटे भावे भाई भी राखी बांधे से चिंता कर मोर भी ड्यूटी सरीगला भौणी प्रति किंतु आज जो प्रसंगटी एठी मु देखिली अति उच्चकोटीर प्रसंग भाई भौणी भर संपर्क शास्त्रीय शास्त्र जगतर ये जो जिनसटी प्राय लोकों पाखे ना जो कहले आमर शरणाबिंद बाबू जे शास्त्र विषय में भाई भौणी संपर्क कौन हवा दरकार केमिति हवा दरकार तेणु अति बढ़िया जिनसटे बढ़िया कथाटे आमर दर्शक मानू जे प्राय मु भावुची जानी नथिबे से प्रसंगटी आज देखिक दर्शक माने जानिबे जे प्रकृत भाई भौणी भर संपर्कटा कौन। अभिनय जहाँ कहले भल लगिलानी कि खराब लगिलानी कि बेसी हेलानी कम हेलानी सेटा मु भी सेते एकमत माने मुहर जो एक्सप्रेशन ता रहिबा दरकार भाई भौणी भितर से कमीगला जो भाई भौणी देखा होगा ये कमीगला आउटे आहरी सुंदर लगी पार था मोहर कथा कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपन दिजन को जो फीडबैक देले मु भाबुची कि नेक्स्ट एपिसोड रे आपन ता ऊपर काम करके आसीबे सो ऑल द वेरी बेस्ट। एबे जिबा को चाहिबी चंद्रशेखर सर का पाखो सर जेमते कि नाटिकाटी थिला हम समीक्षक सर कहले भी भाई भौणी का संपर्क अति नियारा संपर्क ए संपर्क ऊपर गोटे सुंदर नाटिका जमुना और जमन को नेकी थिला तो ए नाटिका ऊपर आपन को शैली रे आपन कोन व्याख्या करिया को चाहिबे सर। जम एवं जमुना भाई भौणी संपर्क को नहीं ये नाटिका अति चमत्कार सुंदर पदटिया मन पड़े भाई भाई बोली डाकु थीबो सर्वदा शुभ मना सुथिबो सर्वदा शुभ मना सुथिबो भाई भाई बोली डाकु थीबो बादे कोंटा तारो बाजी जाउथिले 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 धारो धारो लुह झरुथिबो धारो धारो लुह झरुथिबो ये जगत रे जने पुरुष पाखरे तीन जन नारी संपर्क आम प्रतिष्ठा करती गोटे पारिवारिक जीवन में जड़े हूँ माँ जड़े हूँ स्त्री आउ जड़े हूँ भौणी भौणी भाईर संपर्क सर्वतंत्र स्वतंत्र संपर्क सदा सर्वदा भाईपाई शुभ मनासुव और भौणी शुभ मनासुवा चरित्र जदि दुई जन कई था सी हूँ ये जगत रे भाई भौणीर चरित्र जो आम ओडिया परंपरार महाप्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ स्त्री को पर करी भौणी की पाखे धरिकी बसिले ये जगत कहला जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा ये भाई भौणीर परंपरा आम ओडियार परंपरा जमुनांकर ये नाटिका भितर जड़े भौणी खाली निजपाई नुह ये द्वितीय तिथि समग्र भौणी जगत पाई ये सारा सृष्टि ये क्रूरंक पाखरु आशीर्वाद और वार्ता गोटे नहीं आसिले आनंदित करी आशीर्वाद रूपरी से कालो जम सुंदर कथाटी जोड़ाए शब्द व्यवहार हो कालो एवं जम वास्तव सत्य हो जी कालो से जम नुह जी जम से कालो नुह कालो किए कालो स्वरूपी नारायण बसंती हृदय प्रमाण कालो होउचंती स्वयं नारायण जम जहाँ भी करती नारायण को निर्देश रे से क्रूर केवल न्याय नीति आदर्शर पथिक से बाछी नेब कंचा रखिब पाचिला कंचा बाछी नेब ये कर्ममय जीवन रे जार कर्म कंचा रहिला ता माने जार कर्म सरीगला जहा जी परिपक्व ज्ञान ये संसार ये तात्विक मार्ग रे किंबा ये धर्मीय पथरे जी पूर्ण मात्रा को नगला से पाचिला हो पारानी से कंचा भाव में रहीगला जमता को टाणी नेला कारण फल खाइला बेले आमे पूरा पाचिला फलटा को कहीं खाइबा को भल पाती रखिबो पाचिला ये जगत रे धर्म प्रतिष्ठा करती न्याय प्रतिष्ठा करती जी से ही जम से जम महाराज से भगिनी जमुना को शतकोटी दंडवत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अति सुंदर कथाटे कहले। दर्शक बंधु आपण मैंने बुझीगले तो दुनिया रे सबुठू सत्य होची मृत्यु। मृत्यु समस्त को आसे और दिने ना दिने निश्चित आसे तो आमको निर्भर करे कि आमे आम कर्म को केमती रखिबा आम जीवनशैली को केमती बदलेबा। तो एमिति सुंदर सुंदर नाटिका नेकी प्रभु कथामृत को लेकिन मंच प्रस्तुत अच्छी किंतु ता पूर्व दर्शक बंधु कहले आपण तो समस्ते जानिछंती कि धृतराष्ट्र थिले जन्मांध किंतु से अंध थिले कम पाई और श्रीकृष्ण तांको ए विषय रे कोन बुझे थिले। प्रणाम महाराज। किए केशव आसंतु केशव मु कोन कोई आपन को स्वागत करिवि मु तो सर्वहरा आपण एमिते कहंतु नाही महाराज आमे जा भोग करू सब कर्मर फल केशव मो जन्म हेली अंध होई और शतपुत्र को हरई बसिली केशव मु एमिति कौन पाप करिछि जे मु एते दंड पाउछि। आपण तो अर्जुन को कहिथिले जहा हेउछि सब कर्मर दंड मु चक्षु न हेली और शतपुत्र को हरई बसिली कहतु केशव एमती कहीं दंड पाऊँ मते शतपुत्र हर बसबार जंत्रणारू लाघव मिलू कह केशव। महाराज धृतराष्ट्र आपण ठीक शुणी कर्मर फल अवश्य भोग करने को पड़ी था एथिरु केही भी मुक्ति पाई पारिबे नहीं। तेबे शासक एवं सामर्थ्यवान व्यक्ति को यार दंड विशेष सूत्र भोगिया को पड़ता है महाराज कारण ईश्वर सामर्थ्य देवा सहित से अधिक दायित्ववान होगा आशा रखि था आम कि किसी त्याग करने को पड़ता है महाराज यह तो सृष्टिर नियम। आपण ए जन्मरे राजा अछंती आउ आर जन्मरे मध्य आपण राजा थिले हेले 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 पुणी केशव आपण से समय पाप करिथिले बहुत बड़ पाप करिथिले हेले मु ए जन्म रे जहा करिछि मते ता जणा तो अछि केशव जणे राजा से विशाल परिवार रो मुख्य मोर हुतफुत होछि हेले केशव पूर्व जन्म रे एमिति कोन मु पाप करिछि जे मते एते दंड मिलुछि मते पूर्व जन्म रो कथा कहंतु केशव मु ता जानिबा पई जाए। तबे सुनंतु पूर्व जन्म रे आपण को राज्य रे थिले जने तपस्वी ब्राह्मण तांकर गोटी हंस जुगल थिला आ से हंस जुगल आ सेमान को परिवार को खूब श्रद्धा करुथिले तपस्वी ब्राह्मण दिने तांकर तीर्थ जीवा को इच्छा हला से हंस मानू को कोठी छाड़ी के जीवे जहाँ से निज संतान भली लालन पालन करुले ए कथा को सी जड़े साधु को पचारे साधु तांको उपदेश देले तमर तीर्थ यात्रा रे बाधक दर्शाई हंस मानकर परजन्म को दोष दियो नहीं। राजा तो प्रजापालक होइथाए, तुम पालित हंस भी राजांकर प्रजा। तुम हंस मानकर संरक्षण रो दायित्व राजा को दे तीर्थ यात्रा रे जाई परिबो। तापर कोण होला के सब आपण तो प्रजावत्सल महाराज निवेदन करिया पई ब्राह्मण आपण पाखक आसिले, आपण से हंस मानकर दायित्व नेले। आ ब्राह्मण चिंतामुक्त होई तीर्थ चली गले। आ आपण को उद्यान रे थिबा से पुष्करिणी रे हंस माने खूब आनंद रे रहिले। समस्या रहिला कोठी के सब लालसा मनर लालसा महाराज। लालसा मनीषर परम शत्रु। दिने आपणकर मांस खाइबा को इच्छा हला। उद्यान रे बुलु बुलु आपणकर दृष्टि पड़िला से हंस मानक उपरे। आपण निज उपर नियंत्रण हराई बसिले। आ से हंस दंपतींकर दुईटी संतान को आपण हत्या करी मांस भाव में भक्षण कले महाराज। आउ तापरे से मांसर स्वाद आपण को इति विचलित कला जे आपण गोटी गोटी करी से हंस मानकर 100टी संतान को हत्या करी मांस भाव में ग्रहण कले। आउ तापरे हंस दंपति संतान मान को हरैबा दुखरे प्राण हरैले महाराज। हंस दंपति प्राण हरैले के सब तापरे कोण होला। आ तापरे से ब्राह्मण किछि वर्ष पर तीर्थ यात्रा रु फेरी तांकर हंस नबा पई आपण पाखक आसिले महाराज। आपण तो प्रजावत्सल राजा प्रजापालक राजा केमिति बा कहिथांते आपण प्रजा मानक संपत्ति हरण करचंती बोली। आपण कहीदेले से हंस परिवार रोगाक्रांत हो प्राण हराई। आपण को कथा को सत बोली मानि नहीं ब्राह्मण सेठारु चली गले। आपण एकाधिक पाप करिथिबार शास्ति आपण ए जन्म रे पाउचंती। प्रथमतः तीर्थ यात्रा रे जाइथिबा से व्यक्ति प्रति विश्वासघातकता कले जी कि आपण को अंध भली विश्वास करुथिले। आपण प्रजा मानक संपत्ति हरण करिथिबा अपराध रे दंड पाउचंती महाराज। जो प्राणी मानू को आपण आश्रय देइथिले सेही प्राणी मानू को हत्या करिया भली महापाप करछंती महाराज। निजर जुहा लालसा रे आपण हंस मानकर सत शावक को हत्या करी भक्षण करछंती महाराज। सेथि पई आपणकर सत संतान जुहा लालसा रे वशवर्ती होई प्राण हराइछंती। हे राजन आपण राजकार्य रे मध्य विफल होइछंती। विश्वासघातकता ए समाज रे सबठारु बड़ पाप। जहार पाप रो फल आपण एई समय भोग करछन महाराज। सेई पापर फल भोग करछन महाराज। माधव अति सुंदर नाटिकाटी थिला। अभिनय भी आपण मानकर बहुत सुंदर थिला। दर्शक मानक भी भल लागिथिबा निश्चित रूप रे। जेबी आम समीक्षक सरक पाखु शरणारविंद सर कौन कहबे नाटिकाटी विषय रे। ए नाटिका को देखि सारे पर मत परिस्थिति चित्रनाट्यर जो गांभीर्यता थिला से गांभीर्यता उभय चरित्र भल भाव प्रतिपादन करिसेंती। बाकी वैषयिक दिग विषय में आशु भाई चमत्कार ढंग आपण मानक बुझेबे। मु किंतु ए नाटक देखिला बेले मोर भारी से पंक्तिटे मन पड़ुला गहन कर्मणां गति। कर्मर गति सब बेले गहन आ कर्मर फल तुमको अवश्य भोगिबाकू पड़िबो। धृतराष्ट्र केवल गत जन्म भूल करथिले से नुहे ए जन्म भी मध्य से विश्वासघातकता करिसेंती। गोटे कुंवारी झील जी तुमको बहुत करने आसी तुम घर लोक ताकू जणै नांती जे आम ज्वाई अंध बोली आम पुओ अंध बोली झील बेदी उपर आविष्कार करुच्ची मुझे बाहर जाऊँगी से अंध एवं सी निजे अंधत्व को बरण करने किए गांधारी पट्टी बांधिले। सतक पुत्र जननी हैला परे मध्य गांधारी सहित बाबू धृतराष्ट्र विश्वासघातकता कले। सुगंधा बोली आउ गोटे दासी जहाँ काम हो धृतराष्ट्र पदसेवा करवा सुगंधा सहित मिलित तो हेले। पुणी सेठू जुजुष्टु बोली गोटे पुओ जन्म हला। अतएव ए जन्मरे मध्य पत्नी सहित विश्वासघातकता करिसंती जेतबेले सत्यक पुत्र मोरी सारले महाभारतर नारी पर्व चली समस्ते कंदाकटा करुचंती ये से समय मध्य छलना करुचंती आवाहन करुचंती भीम को टिके डाक मु ता सहित कथा हेबी सी मोर अति आपणार अति प्रिय अति निबिड़ किंतु आंक माया को बुझी जाइथिले भगवान गोविंद सेतिपई पूर्वर मध्य गोटे अध्याय रे कहिथिले जी लौहर भीम तैयारी करुचंती ए कथा व्यासंग महाभारत रे नाही ओडिया महाभारत रे अछि उद्देश्य थिला भीम को मारी दबा भाग्य भल लौह भीमटे थिला बोली चूर्ण हो गला भीम बंची गले धृतराष्ट्र पूर्वर विश्वासघातक मझीरे विश्वासघातक युद्ध पर मध्य विश्वासघातक फिलोसफी रे गोटे भल धाड़ी अछि एविल इज एविल ऑलवेज एंड गुड इज गुड ऑलवेज जे शैतान से सर्वकालीन शैतान जी उत्तम से सर्वोत्तम सर्वकाल बहुत बहुत धन्यवाद सर अति सुंदर कथाटे कहले एवं जी आशुतोष पाखक सर कौन कहे नाटिकाटी विषय नाटक मध्यम जो सुंदर वार्ताटी आपंट आम दर्शक मान को बहुत भल लगी अति सुंदर वार्ताटी ए जन्म पूर्व जन्म जो कर्मफल अनुसार आमको भोगवाक पड़े से बहुत सुंदर वार्ताटी नाटकटी तो अति सुंदर किंतु चरित्र गोटे सिंक्रोनाइजेशन दरकार आम नाटक गोटे सिंक्रोनाइजेशन जोड़ी चरित्र कि तीनोटी चरित्र चारोटी चरित्र सिंक्रोनाइजेशन दरकार से सिंक्रोनाइजेशन टी कमी जा श्रीकृष्ण चरित्र रे जी रस रहा कथा से रसटा टी भी मैं जड़े मेसेज दौर मैंने यहाँ श्रीकृष्ण मेसेज जोटा कि मध्यम आप चरित्र मध्यम दौरान आज जन को तेणु से मेसेजटा सारा जुगपाई सारा ये तेणु से आउटे रस टी अधिका होता मत आउटे भल लगी था किंतु बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सर आपण मानक जहाँ भी सर फीडबैक देले ताकू नेक्स्ट एपिसोड रे काम रे लगेबे एटा मोर आशा बाकी सब ठीक थिला जजेस माने तो कहले तो जीबी चंद्रशेखर सान को पाखु सर कौन कहबे नाटिकाटी विषय रे महाभारतीय कहानी ये भगवान कृष्ण एवं धृतराष्ट्र जो कथोपकथन एटा पूर्व जन्मर जन्म जन्मांतर फल आमको भोगवाकू पड़े ये यार चरम निदर्शन कविकुल तिलक कालिदास मतरे मित्रद्रोही कृतघ्नश्च जे च विश्वासघातका त्रयस्ते नरक जामती जब चंद्र दिवाकरु एक स्वतंत्र कहानी ये श्लोक भितर अच्छे से मीरा निषार्धकालीन अवस्था जंगल रे राजा पुओटे पछपटू गोड़ाऊँच बाघटे प्राण विकल रे राजा पुओ चढ़ीगला गछ उपरे थिला गोटे भालू उभय विपद आशंकासन्न एतिकी बेले भालू कहला डरना डरना मु भी प्राण विकल रे तुम्हें भी प्राण विकल रे तुम्हें मोर मित्र तलू कहते बाघ कहे छाड़ीदे रे भालू ताकू छाड़ीदे मु खाए राति पाइले मु पलैबी ना से मो मित्र कथा या हला भालू प्रथमे धरिले राजा पुओ सोइले राति अधिक हला तलपटू बाघ कहते रे छाड़ीदे से मो मित्र ठीक जिते मनीष पाली पड़गला राजा पुओं पाली एति बेले जो बाघ कहले रे छाड़ीदे रे मु पलैगले भालू तोते मारिदेव राजा पुओ छाड़ीदे हेले भालू से कौन सहजरे खसब नखरे भिड़ी धरला गच्छकू झुली पड़ा देखला मित्र तुम्हें मत मारिदेल जीभरे लिखिदेले से मीरा ये सत्य मीरु मी श्लोकटी को पढ़ी मित्रद्रोही कृतघ्नश्च जे च विश्वासघातका त्रयस्ते नरके जामती जब चंद्र दिवाकरु दिन राति थिबा पर्यंत जो माने मित्रद्रोही से माने नरक रे पड़िबा म उड़िया रे गोटे सुंदर पद अछि हाकिम जदि बा हे बेलांचुआ हे बेलांचुआ राज्य राजा हेले मन मोटिया चाषी पुओ जेबे हे बठकुआ डाहणिया बलद होइले सुआ घर घरणी हेले अलसुआ ये भारी अड़ुआ रे ये भारी अड़ुआ मारो गाली अंको भाग्य रे थुआ राजा मन ମୁଟିଆ ହେବେ, ହାକିମ ଯଦି ଲାଞ୍ଚୁଆ ହେବେ, ଘର ଘରଣୀ ଅଳସୁଆ ହେବେ, ଆଉ ଚାଷୀ ପୁଅ ଠକେଇବ, ଦୋକାନୀ ଯଦି ଚିଡ଼ୁଆ ହୁଏ, ମାଡ଼ ଗାଳି ୟାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥୁଆ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମନମୁଖୀ ଶାସନ କରନ୍ତି, କୃତଘ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୁଅନ୍ତି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନୁହଁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଏ କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହା ହିଁ ଏ ନାଟିକାର ନିଦର୍ଶନ। जय श्री कृष्ण। अशोक बाटिकारे माता सीता बंदी भावरे अछंती और प्रभु रामचंद्र को आदेश रे हनुमान जाइछंती माता सीता को भेटिबा पाई, किंतु लंकारे पहुँचवा परे हनुमान सर्वप्रथमे काहाकु भेटुछंती? श्री राम जय जय राम श्री राम हे राम जय जय राम हे राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। मु प्रभु राम को दूत भावे लंकापुर को आसीछि। मु पवन पुत्र हनुमान, किंतु ए लंकापुर रो केउ गोटे कोठरु प्रभु श्री राम को जय जय राम। ये हे पर प्रभु को भक्त देखे से किए? ये कौन? लंकापुर रे तुलसी चौरा कांथरे शंख चक्र चिन्ह, तामाने असुरपुर रे किए अछंती राम को भक्त? किए हे पारे? दानव, मानव ना चक्ष ना किन्नर, किए हे पारे? जाए जाए मु देखे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हे ब्राह्मण, आपण किए? लंकारे श्रीराम को नाम कहवाकू साहस किपरि कले? किए आपण ए राजमहल को किपरि प्रवेश करि पाले? ए बाट देई गला बेले महलर अगन रे तुलसी चौरा कांथरे शंख चक्र चिन्ह देखी मो मन आनंद रे खेली उठला। सेतिपाई एठारे मो अटकी गली, किंतु मो मन रे गोटाए प्रश्न उंकी मारुची। ई प्रश्न ब्राह्मण निसंकोचरे मते पचारि पारंती। मु तो बाहर आसीची, मु किछि भी कहि पारे, किंतु आपण ए लंकार बासिंदा होई मध्य राम नाम जपिवार साहस किपर करि पारुछंती? आपण कोन राक्षस कुलर नहुंती ना? आपण माया जाल बिछई राम नाम जपुछंती? माया माया रचना मु करु नै ब्राह्मण, आपण माया रचना करी मते भ्रमित करुछंती। कारण ये होची स्वर्णपुरी लंका नगर, सुनारे खचित नगर। ये ए धन धान्य पुण्य शहर रे आपण जने भिक्खु ब्राह्मण बेशरे या माया नुह तो आ कोन होई पारे? मु कहिबी, मो विषय आपण को सब किछि कहिबी, किंतु आपण कोंतु आपण कोन राक्षस कुलर? हां, मो राक्षस कुलर, किंतु प्रभु श्री राम को परम भक्त मु। एबे कोंतु ब्राह्मण, प्रभु श्री राम को भक्त होबार अधिकार कोन हम राक्षस कुलर नाही? प्रभु श्री राम को भक्त होबार अधिकार ए समग्र विश्वर समस्तंकर अछि। प्रभु तांको भक्तन को केबे उच्च नीच धनी गरीब जे कि जाति प्रथा देखती ना, तांको निकटरे देव मानव किन्नर समस्ते समान, एपर कि पशुपक्षी माने भी। किंतु ए लंकापुर रे राम नाम जपुथिबा व्यक्ति आपण किए? ओ महर्षि विसर्बांक पुत्र महाराज रावण सान भाई विभीषण। आपण कहूथिले ना मुई राज्य रे केमिति अछि? ताहले सुनंतु, जड़े व्यक्ति जमी पाणी की गले कुंभीर आपर को आसिले बाघर भय थाए, ठीक सेमिति मुझे जीवन निर्वाह करुँच। विश्वास अच्छी प्रभु रामचंद्र मते निश्चय ये उद्धार करेंगे। आश्चर्य, आपण ए पर्यंत प्रभु रामचंद्र को देखी ना अथच तांको भक्ति करुँच? ए रहस्य मु किछि बुझी पारुनी। हे ब्राह्मण देवता, आमे तीन भाई रावण कुंभकर्ण आउ मु कठोर तपस्या करी ब्रह्मा को प्रसन्न करिथिलु। ब्रह्मा को आपण प्रसन्न करिथिले? हां, ब्रह्मा ब्रह्मा हमको तीन जन को बर मागिबाकू कहिथिले। आमे समान को बर भी मागिथिलु। की बर मागिथिले विभीषण? हे भाई दुई जन सेमानकर शक्ति मागिथिले। आ आपण कोन मागिथिले? मु मागिथिले श्री नारायण को अनन्य भक्ति आओ दर्शन। से ब्रह्मा कहते स्वयं श्रीनारायण जिते धरा पृष्ठ में राम रूप से अवतार कर लंका को आसबे तमें से दर्शन करें। यही कथा को ध्यान करी मु सदा सर्वदा एठी राम नाम जप करुछि। धन्य धन्य आपण को भक्त। हेले ब्राह्मण देवता एबे एबे आपण को परिचय दियंतु। आपण तो कहिथिले मु बाहरु आसीछि, हेले आपण देवता ना ऋषि ना स्वयं नारायण ना मो प्रभु रामचंद्र जी मते दर्शन देवा को ठिका आछंती। राम 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 आपण काहा को नहीं कोठी रखुचंदी। मु एबोली कुल रे जन्म होईछि, धार नाम सकाळे धरिले अशुभ हुए। ए ब्राह्मण रूप होईछि मोर छद्म बेश, हेले बानर होईछि मोर असल रूप। मो नाम हनुमान। अच्छा कहो तो लंकापुर आपण राम नाम को नहीं किसी बाधा विघ्न घटुनी तो? एक कथा रावण जानी चंदी। ए राम शब्द को नहीं मु दिने संकट में पड़ी जाइथिली प्रभु, किंतु प्रभु रामचंद्र मते से विपद उद्धार करदे। उद्धार करथिले? हाँ, यही कांथरे मो राम शब्द लिखी थी। यह दशानन का आखिरे पड़गला, से उत्क्षिप्त हो उठिले। मु भयभीत हो गली, किंतु प्रभु प्रभु मते बाट बतई देले। प्रभु बाट बतई देले? हाँ, मु दशानन को कहली मोर पितामाता नहांती, आपण होचंती मोर पिता, आउ भाउज होचंती माता। आपण को प्रथम अक्षर रा माने रावण, आउ भाउज को प्रथम अक्षर म माने मंदोदरी। आपण दुई जनकर प्रथम अक्षर को मिसई मु राम लिखिदेली। एथिरे से प्रीत होई चाली गले। प्रभु प्रभु मते से दिन रक्षा करि देले। प्रभु को करुणा अपार। आपण प्रभु रामचंद्र को देखि नांती कि मु माता सीता को देखि नै। आपण पिता छौंड आ मु माता छौंड, आमे दुई परम पिता को संतान। मो भाई विभीषण माता सीता को रावण क्योंठी रखिचंती? ए राजमहल तो क्योंठी मु पाइली नाही। आपण कोन भाबुचंती माता सीता ए राजमहल रे अछंती? ना, माता सीता अशोक वनर दुर्दश राक्षस मानक घर रे तपस्विनी भाव रे जीवन यापन करछंती, आउ प्रभु रामचंद्र को अपेक्षा करी रहिछंती। राक्षस घर अतिक्रम करी मु प्रथमे माता को भेटिबी, तापरे रावण को साहस परखी मु प्रभु रामचंद्र को कहिबी मते आज्ञा दिंतु भ्राता। मोर प्रणाम ग्रहण करंतु कपिश्रेष्ठ हनुमान। आम दुई राम को भक्त, जड़े भक्त स्थान आउ जड़े भक्त पाद तले नुहे, स्थान ए बक्षर। आसंतु भ्राता आसंतु। हे राम श्री राम जय जय राम श्री राम, हे राम श्री राम जय जय राम श्री राम। हे राम श्री राम जय जय राम श्री राम। बहुत सुंदर अभिनय थिला, मते बहुत भल लागिला, दर्शक मान को भी भल लागि थिबो। आम समीक्षक सर के पाखक जीवी सरनारविंद सर कौन कहिबे नाटिकाटी विषय रे? मोटामोटी भाव में नाटिका भल थिला। बाकी विभीषण आ हनुमान ये उभय होचंती अष्ट चिरंजीवी भितर दुई चिरंजीवी। राम नाहंती ये पृथ्वी चली गले, कृष्ण नाहंती ये पृथ्वी चली गले, किंतु बंची रहिले तृतीयर दुई प्रमुख पुरुष, जड़े बजरंगबली हनुमान आउ जड़े विभीषण। सेमानक पाखरे एमती कौन थिला? विभीषण पाखरे एमती कौन थिला जोथिपई राम तांको अमरत्व देई देले? एमितिरे सुग्रीवंकर कोन राम अनुरक्ति नथिला, राम भक्ति नथिला? लक्ष्मणंकर कोन राम भक्ति नथिला? सीतांकर कोन राम भक्ति नथिला? किंतु काहाको अमरत्व न देई विभीषण को काई देले? काईकी कहले विभीषण मृत्यु तुमको छुईबनी, तुम्हें बंची रहिब जो पर्यंत धरित्री अच्छी, जो पर्यंत आकाश अच्छी। आज भी श्रीमंदिर रे गोटे द्वार ना विभीषण द्वार, अर्थात महाप्रभु प्रमाण करती विभीषण नित्य मो पाखक आसब, यही बाटर हिं आसब, यही बाटर हिं जीव। अनेक दाबी करती विभीषण को देखा नहीं, अनेक सेवक अनेक भक्त। तबे विभीषण को स्वतंत्रता कहले मत कहीं या लगे। विभिन्न दिगरु विचार कले। विभीषण तीन टा पिला पिली थे, स्त्री होती शर्मा, पिला थे तीन जन, त्रिजटा तरुणी सेन एवं नील ये त्रिजटा तरुणी सेन और नील ये तीन जन निधन होती जदिव त्रिजटा सीता माँ पाखे सेवा दे किंतु समर को कन्या भाव भी सी ओल्ल पड़ी बड़ विचित्र कथा सब घटी निजर पुओ मान को सी धर्मर रक्षापी भी मरण मुह को पठे मो पुओ पछे मरू मो कूल पछे बुड़ी जाऊ मो चाल पछे उड़ी जाऊ किंतु मो रामर मान आउ मर्यादा रहू। पृथ्वी में कई एमती भक्त अच्छी जे कह प्रभु आपण समर में मो पुत्रगण मरी जातु ताहा पुणी राम को परे जनाऊँच आज्ञा जो तरण सेन निधन हो मोरी पुओ कि करुण विभीषण चरित्र संभवतः एमती किसी त्याग गुण पाखे जो त्याग गुण रामायणर अन्य कौन चरित्र मान निकटने नथिला। अन्य माने तेल लुणर जीवन जीचंती चिराचरित जीवन धारावाहिक जीवन विभीषण किंतु गोटे निरुता और स्वतंत्र जीवन जीचंती। विभीषण ए नियारापण विभीषण ए निरुतापण आम समस्त आयुध हो समस्त अलंकार हो बाकी हनुमान प्रभु प्रीति आम समस्त कवच हो। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर अति सुंदर कथाटे कहले। आशुतोष पाखक जावाक चाहिए सर कौन कहे नाटिका विषय प्रथम तो राम नाम कहार जी आनंद अच्छी से नाटे राम नाम शुणीदे भी से आत्मसंतोष अच्छी प्रसंग अति चमत्कार अति निरा ढंग भी प्रस्तुत कराई दुईटी चरित्र मध्य किंतु दर्शक जदि किसी देखा चाहिए प्रसंग बुझीजे किंतु कलाकार पाखर जो चरित्र को से आशा करती प्रथम कथा है जदि जेकोसी चरित्र आपण उतारी निजको आगे दर्शक पाखे पहुँचाऊँच प्रथम से चरित्र चित्रटा निज मन भर रहा दरकार। चित्र जिते सुंदर हम चरित्र ऑटोमेटिक सुंदर होती दरकार कॉन्फिडेंस मनर विश्वास जदि विश्वास मन भर तुम या विश्वास या विश्वास सहित चित्रटा ठीक कर चरित्र ठीक हम आ जोटा कि मत टे अभाव लगे से विश्वासटा बढ़ेदेले चरित्र आहुरी सुंदर हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर अति सुंदर कथाटी सर कहले। विश्वास मूल सबकि थाए जदि आम मन में विश्वास रखा तो सबकि प्राप्ति हो पार इवन भगवान को भी आम पाइपर तो विश्वास हूँ सबुठ बड़ जिनस। तो चंद्रशेखर सर पाक जावाक चाहिए सर ये नाटिकाटी विषय आपण आपण शैली में कौन कहवाक चाहिए सर। हनुमान एवं विभीषण शेष हनुमान कहले आमे दुईज दुई भाई वास्तव सत्य हो दुई जन जाक आम पुराण रचना दुई जन जाक भगवान रामंकर भाई। संत तुलसीदास हनुमान जीवनी को नहीं जहाँ रचना कले हनुमान चालीसारे शंकर सुवन केशरी नंदन शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन श्री राम जय जय राम शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन यो हनुमान शंकर वीर्य रुद्रावतार से गोस्वामी तुलसीदास हनुमान को राम को भाई कर दी से हनुमान चालीसा रघुपति किन्नी बहुत बढ़ाई श्री राम जय जय राम तुम मम प्रिय भरत ही समभाई श्री राम जय राम दूत तुलित बल धामांजनी पुत्र पवन सुत नामा। तुलसीदास जेऊ न्याय रे जेऊ बही रे जेऊ रचना रे राम को दूत कहले हनुमान को सेई तुलसीदास कहले हनुमान होजंती राम को भाई एला गोटे न्याय। वर्तमान जीवा विभीषण को पाखक विभीषण किए जमी हनुमान जीवनी हनुमान जन्म आम पुराण रे विभिन्न दर्शन विभीषण जन्म मध्य विभिन्न पुराण रे विभिन्न कथा छोटिया उदाहरण दिए आम उड़िया पुराण निकसा निषार्ध समय स्वामी विश्रवा निकट में पहुंचले सेतबल को पुह रावण तपस्या को जाई कौन पाई ना आज से स्वामी सहवास स्वामी सहित मिलन हबार एक अपूर्व प्रयास कहीं पदटी मन पड़े दनई दासर पदटी टी अश्लील शब्द अच्छी मु उत्कलीय विद्वान मान को निवेदन करी पूर्व लेखार कि अश्लील शब्द बलराम दास व्यवहार करचंती दनई दासर नीतिशिक्षा योग्य पद किंतु गोटे अश्लील शब्द ये पद भितर अच्छी बिलई की गुड़ लागोई पिता, बिलई की गुड़ लागोई पिता, युवती की पिता बुढ़ा घोईता, युवती की पिता बुढ़ा घोईता, गुहाड़ो पिता ओलेई गाई की, गुहाड़ो पिता ओलेई गाई की, घरो कामो पिता बारो बुली की, घरो कामो पिता बारो बुली की। तेणु जणे जहारो प्रकृति जहा से जितेबले कामतपुरा होइचंती स्वामी प्रति ये तो विश्रवा ये तो महारुषि धिक्कार कले स्त्री ये आम उड़िया पुराण गोटे मार्ग रावण दशरथ को शपथ करई ब्रह्मबिंदु अपहरण कर गोटे पात्र रे रखी माँ यहाँ विष नहीं रख यदि मो स्वामी मत न चाहिए नारी कभी अपना देवी सही पारे नारी सत अपमान सही पारे नारी कठोर वचन सही पारे नारी कठोर वचन सही पारे विष देले चांद मुहि परर प्रशंसा न पारोई सही जणे नारी ता स्वामी मुहरे अन्य नारी रो प्रशंसा सही पारेनी स्वामी रो भर्त्सना मध्य सह्य करि पारलानी विष बोली भाबी पुओ रावण देथिबा ये दशरथ ब्रह्म को पी देला एवं गर्भवती हला लोकलज्जा भय रे जंगल रे पुत्र जात कला से पुओर ना विभीषण पुराण लीला ये कार्यक्रम ना हूँ पुराण लीला जो थी पुराण सार तत्व दर्शन आसवा दरकार ये कथा को जब आम विश्वास करवा अधुनातन समय युवपीढ़ी को विश्वास करेंगे ना यार प्रकृत तथ्य दशरथ परशुराम जितेबले निक्षत्रीकरण करुले नारी मान गहन जंगल में लुचि थे ये कामातुरा काम प्रवीणा नारी निकसा कैकेयी बा लंकेशा मिलन है जंगल में पुओटे जन्म दे पुणी पलै आसी जहाँ पाइले रावण यही न्याय विभीषण हेले राम को भाई पुणी तुलसीदास लिखिं हनुमान होउचंदी भाई दुई भाईंकर मिलन हेला एवं जहाँ सूचना देला ये रामंकर जय हब जय हब जय हब जय श्री राम जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शक बंधु जेमिति कि सर कहले कि प्रभुंकर रूप अनेक से केबे कृष्ण से केबे राम से केबे जगन्नाथ से पुणी केबे विष्णु तांकर लीला खेला को आमे बुझापे आम पाखे से शक्ति ना किंतु तांका भाव प्रेम भिजापी आम सब बेले तत्पर तो आपण मानक प्रभु प्रेम भिजापी आम प्रस्तुत आमर ए मंच प्रस्तुत जेमिति समुद्ररु संख्या नेले समुद्रर पानी सरी जाएनी सेमिति आजिर अध्यायर नाटिकार तो समय शेष हो जाएगी किंतु आगामी अध्याय मु नहीं आसबि आहुरी अनेक नाटिका गुच्छक सांगे नहीं जीवा पूर्व आपण मानक ए प्रतिश्रुति देके जीवी आपण माने मन कष्ट जमा भी करंतु नहीं आजिर अध्याय समय हो जाइए मत विदाय दिंतु रहुची नमस्कार। प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।